हेलो दोस्तों, हॉलीवुड मूवीज़ के ऊपर हमने एक और चैनल शुरू किया है, वाह मूवीज़। इसमें हम मेनली इटालियन, फ्रेंच और स्पेनिश मूवीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे चैनल को ग्रो करने में हमें आपकी हेल्प मिल जाएगी। इस फिल्म की शुरुआत होती है तीन ठरकी किस्म के डिवोर्सी लोगों से। तीनों आज यहाँ इस बीच पर पहुँचे हैं। इन तीनों के सामने देखते हैं कि एक लड़का है और साथ में उसका दोस्त, वो दोनों लड़कियों से किस तरह घुल मिल कर बात कर रहे हैं। ये तीनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि इन लड़कों की किस्मत कितनी अच्छी है, जबकि इन तीनों को आज तक डिवोर्स के बाद कोई लड़की नहीं मिली। यहाँ पर एक नया मकान ढूंढते हैं। मकान को अच्छी तरह देखने के बाद ये तसल्ली करते हैं कि हाँ, ये यहीं पर रहेंगे। इसके बाद हमें स्कॉटी को दिखाया जाता है। स्कॉटी अपनी पार्टनर के साथ गपागप कर रहा है। इतने में उसका मकान मालिक उससे मिलकर कहता है कि उसे ये घर खाली करना होगा। स्कॉटी ने पिछले कई महीनों से रेंट पे नहीं किया और अब उसका मकान मालिक उसका मजाक उड़ा रहा है। स्कॉटी अपने दोस्त से मिलकर कहता है कि आखिर वो क्या करे, उसके दोस्त के पास भी कोई क्लू नहीं है। इस बीच पर लड़कियों की भरमार है। अक्सर लड़कियां जो कि मॉडल हैं यहाँ पर आकर सन बाथ लेती हैं, कुछ स्केटिंग करती हैं, कुछ रेडियो पर गाने सुनती हैं। इन लड़कियों से मजाक करने के लिए कुछ लड़कों का ग्रुप भी आता है। वो अपने साथ एक डॉगी को लाता है। वो डॉगी को सिखाते रहते हैं और डॉगी इन लड़कियों के कपड़े खींचता रहता है। एक दिन लड़कियाँ गुस्से में इन लड़कों को डांटती हैं। जब स्कॉटी इन लड़कों को देखता है तो वो भी इन पर गुस्सा होता है। इन सब में यहाँ कहा सुनी होती है। अंत में लड़कों का ग्रुप यहाँ से भाग जाता है। एक दिन स्कॉटी जब अपने घर आया तो वो देखता है कि उसके मकान मालिक ने सारा सामान हड़प लिया है और अब स्कॉटी के रहने के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। आज की रात वो बीच पर सोते हुए बिताता है, पर अगली सुबह वो इन तीन मर्दों के घर पहुँचा है। वो कहता है कि वो उनकी कार को साफ क्या करेगा और उसके बदले में कुछ पैसे ले लिया करेगा। ये तीनों मर्द उसे आइडेंटिफाई करते हुए कहते हैं कि तुम वही हो जिसे हमने लड़कियों के साथ देखा था। इन तीनों में से एक का नाम हंटर है और एक का नाम रॉबर्ट। हंटर और रॉबर्ट स्कॉटी से कहते हैं कि उन्हें लड़कियां पटाना नहीं आता। क्या स्कॉटी उन्हें ये सब सिखाएगा? स्कॉटी कहता है कि वो इसके बदले $600 लिया करेगा। ये तीनों मर्द इस पैसे को देने के लिए तैयार हो गए हैं। इस तरह स्कॉटी ने इनकी प्रैक्टिस करानी शुरू की है। पहले तो स्कॉटी का दोस्त ही लड़की बनकर आता है। ये तीनों उससे बात करने की कोशिश करते हैं पर नर्वसनेस में कुछ कह नहीं पाते। अगली सुबह स्कॉटी इन तीनों को लिए ब्रिज पर पहुंचा है। वो दिखाता है कि लड़कियां पटाई कैसे जाती हैं। एक लड़की जब स्केटिंग करते हुए आ रही है तब स्कॉटी उसके आगे गिर जाता है। लड़की उसे संभालने आती है। स्कॉटी उससे उसका हालचाल पूछते हुए पूछता है कि आखिर वो लड़की करती क्या है। वो लड़की बताती है कि वो मॉडलिंग करती है। स्कॉटी यहाँ अपना एड्रेस बताता है और उसे अपने घर पर इन्वाइट करता है। ये सब देख कर हंटर और रॉबर्ट को एक्साइटमेंट आया है। वो सोचते हैं कि ये तो बड़ा आसान है। ये भी अगली लड़की के आगे कूदते हैं पर इनके साथ मजाक हो गया। वो लड़की इन्हें पूछती भी नहीं बल्कि किसी और से टकरा जाती है। बाद में स्कॉटी इन सब का मजाक उड़ाता है। रॉबर्ट और हंटर स्कॉटी से कहते हैं कि हम तुम्हें $600 महीने के दे रहे हैं तो तुम हमें सिखाओ कि हमें लड़कियों से बात कैसे करनी है। स्कॉटी इसके बाद इन्हें शॉपिंग के लिए ले जाता है। यहाँ तीनों अलग अलग तरीकों से लड़कियों को अप्रोच करते हैं पर हर लड़की इन्हें तिरस्कृत कर देती है। हर जगह इनका मजाक बनता है। एक दिन स्कॉटी क्रिस्टी और किम्बरली को अपने घर बुलाता है। यहाँ स्कॉटी क्रिस्टी के साथ संभोग करता है। क्रिस्टी पूछती है कि इतनी जल्दी स्कॉटी को ये घर कैसे मिल गया। स्कॉटी बताता है कि यहाँ वो इन तीनों लोगों की हेल्प करता है और इसके बदले में उसे यहाँ पर रहने को मिला है। अब स्कॉटी की मुसीबत यह है कि वो इन तीनों लोगों के लिए लड़कियाँ कहाँ से लाए। उसे याद आया कि इस शहर में एक लोकल बैंड है लड़कियों का जो कि काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। वो दौड़ता हुआ उस बैंड के पास जाता है। वो कहता है कि वो आज की रात पार्टी दे रहा है अपने घर पर और इस बैंड को इनवाइट कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाम को लड़कियों का ये बैंड यहाँ पर पहुँच गया है। यहाँ धुआंधार पार्टी होती है। एक एक करके सबको यहाँ पर पार्टनर मिल गई। सभी अपने अपने कमरों में जाकर धुआंधार संभोग करते हैं पर इन सब में क्रिस्टी स्कॉटी से नाराज़ हो गई। वो नाराज़ होकर यहाँ से चली जाती है। अगले कुछ दिनों तक स्कॉटी क्रिस्टी को मनाता रहता है पर सारी कोशिशें भी नाकाम। जबकि रॉबर्ट हंटर और उसके दोस्त को पार्टनर्स मिल गई हैं, वो इनके साथ काफ़ी इंजॉय करते हैं, बीच पर बैठे गिटार बजाते हैं। इन तीनों की पार्टी पर पार्टी होती जा रही है जबकि स्कॉटी दिन पर दिन गरीब होता जा रहा है। क्रिस्टी अब उसे पूछती ही नहीं। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि रॉबर्ट और उसके दोस्तों ने फिर से पार्टी रखी है। यहाँ पर क्रिस्टी को भी बुलाया गया है। इस पार्टी में सभी इंजॉय कर रहे हैं। लड़कियों का बैंड भी आया हुआ है पर अभी तक स्कॉटी क्रिस्टी को देख नहीं पाया। वह यहाँ वहाँ उसे ढूंढता रहता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। अंत में जब पार्टी ख़त्म हो जाती है तब अचानक से क्रिस्टी स्कॉटी के पास आती है। वो कहती है कि वो कॉलेज में स्टडी करने जा रही है। स्कॉटी को लगता है कि अब क्रिस्टी हमेशा के लिए उससे दूर जा रही है। यहाँ क्रिस्टी इस बात का खुलासा करती है कि वो इसी शहर में कॉलेज में पढ़ाई करेगी
और अब वो स्कॉटी को माफ़ करने को तैयार है। स्कॉटी भी कहता है कि अब वो अपने करियर में सीरियस होगा। इसके बाद दोनों यहाँ पर घपाघप करते हैं और फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है।